हेलो वन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो आज का जो वीडियो है गोवा से मुंबई वाला, वो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। वो सरप्राइज गिफ्ट इसी वीडियो के दौरान कही तो है, अब वो पता करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी गोवा से मुंबई वाली राइड। याद रखना, बिना स्किप किए हुए देखना है, तभी आपको पता चलेगा वो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऑल राइट गाइस, चलो इट्स टाइम टू लीव नाउ। अंकल चलो, बाय बाय। इतनी सुबह सुबह भी इतनी गर्मी, हाय हाय। अच्छा हो गया जल्दी निकले, और थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। वैसे हम लोगों का प्लान था कुछ 7 बजे तक निकलने का, बट हम लोग हाफ एन आवर थोड़े लेट हो गए। कोई बात नहीं, चलता है। अभी शायद से हम लोग कहीं रुकेंगे नहीं। हम लोग ने सोचा सीधे अम्बोली घाट में रुकने का। एक एक फ्यूल स्टॉप लूँगा, क्योंकि भाई 10 रुपये से सस्ता है पेट्रोल, तो भरना चाहिए ना एक बार। तो फॉग देखिए सुबह सुबह, लेकिन ठंडी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पसीने छूट रहे हैं भाई अभी भी। मतलब ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ 12-1 बजे दोपहर के, इस टाइप की गर्मी हो रही है। कुछ ये सब भाई, ये फॉग वॉग है ना, ये सब दिखावा है भाई, कुछ नहीं है ऐसा। फाइनली हाईवे पे आ गया हूँ, और ये मैंने हर वीडियो में बताया, ये ब्रिज है ही ऐसा यार, बहुत भारी दिख रहा है। और ये अभी मॉर्निंग में तो देखो ना, ये साइड में सन, ये साइड में ब्रिज, और फुल चमक रहा है भाई ब्रिज। सो अभी हूँ, इस हाईवे का नाम है पनवेल कोची कन्याकुमारी हाईवे, और यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन है 490 किलोमीटर, और गूगल मैप के अनुसार मैं पहुँचूँगा 5:21 PM। अभी जस्ट अम्बोली घाट में एंटर कर रहा हूँ। सो ये देखिए, पर्यटक से हार्दिक स्वागत, दैट मीन्स टूरिस्ट आर वेलकम। उस दिन हम लोग यहाँ से गए थे, बट काफ़ी अंधेरा था, रात हो गई थी, तो उतना कुछ दिखाई नहीं दिया रहेगा आपको। मैंने जितना ट्रैवल किया है अभी तक, बाइक पे बोलो या कार में बोलो, मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है ये घाट। हाफ एन आवर लगता है ये घाट ख़त्म होने में, तो फिर आप सोच सकते हो कि ये घाट कितना बड़ा रहेगा। ये अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से आई थिंक ऊपर आ गए घाट के। तो ये घाट का कुछ नज़ारा इस तरीके का है, और ये देखिए प्यारे प्यारे बंदर। ये मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हो, ये है अम्बोली का धबधबा, और रेनी सीजन में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। ये देखिए, बट अभी तो पानी है नहीं, बट इन रेनी सीजन बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट, देन आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, अभी अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो गया है, और हम लोग निकल पड़े हैं अपने आगे के जर्नी के लिए, जो के है पुणे में। पुणे जाने वाले हम लोग, अभी सागर भाई के गांव जा रहे हैं हम लोग। सो वहाँ पे आज की रात रुकेंगे। राइट नाउ इट्स 11:57, मीन्स अराउंड 12 बज रहे अभी। हाईवे है प्रॉपर, निपानी से अभी लेफ्ट ले रहे, और अच्छे रास्ते की शुरुआत, और जो लास्ट रास्ता था वो भी अच्छा ही था, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा है। तो अभी थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग ने। मतलब सोचा है कि अगर भूख लगी तो रुकना है, जब तक भूख नहीं लग रही तब तक चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। सो 339 किलोमीटर हमको अभी क्रॉस करना है, देन फिर हम पहुंचेंगे हमारे डेस्टिनेशन में, सागर भाई के गांव में, मंचर में। सो चलिए अभी एंजॉय करते हैं इस रास्ते को।
वी आर एंटरिंग इन महाराष्ट्र स्टेट, सुस्वागतम महाराष्ट्र मधे आपले हार्दिक स्वागत। तो मैप तो मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि पूरा अभी पुणे तक मतलब मुंबई तक ये सीधा सीधा ही रोड है, आपको ना लेफ्ट लेना है ना राइट लेना है। अभी हम लोग जस्ट रुके थे टोल प्लाजा के पास, गन्ने का जूस पिया और फिर से हम लोग चार्ज हो गए आगे की राइड कंटिन्यू करने के लिए। सो अभी देखते हैं, अब शायद से हम लोग कुछ जल्दी रुकने वाले नहीं है, ऑल्दो जब तक पेट्रोल ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अभी माइलेज के बारे में बताऊँ तो कुछ मुझे अराउंड 32 का माइलेज आ रहा है। सो 32 बहुत अच्छा है माइलेज। राइट नाउ इट्स 5:15 इन द इवनिंग और मैं आ गया हूँ पुणे में। वैसे तो आपको ये ट्रैफिक देख के पता चल ही गया होगा कि ये पुणे सिटी है। इवनिंग को पुणे सिटी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है आपको, क्योंकि काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं यहाँ पे, तो ये टाइम पे सब ऑफिस छूटते हैं तो इसीलिए ट्रैफिक हो जाती है इन रास्तों पे। सो चलिए गाइस, ट्रैफिक से छुटकारा पाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो जस्ट रीच सागर भाई के गाँव, अभी ये है उनका घर और यहाँ पे है बहुत सारी गाय माता। तो अभी रात हो गई ज़्यादा, अब मिलेंगे हम सीधे कल। चलिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 8:50 इन द मॉर्निंग और 9 बज रहे। बहुत सारे यहाँ पे गन्ने के खेत है और इसी की वजह से काफ़ी सारी ठंडी थी रात को यहाँ पे। और अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन सागर भाई का यहाँ पे नया घर बन रहा है, उस घर पे जाएंगे, थोड़ा देखेंगे कैसा काम चल रहा है, देन वहाँ से कल्टी और सीधा मुंबई। यहाँ पे उनके नए घर का काम चल रहा है, अभी दिखा नहीं सकता हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद उनके चैनल पे देख लेना। 3-3.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा घर पे। सो अब चलिए मिलते हैं हाईवे पे। देखा लाइन चलना, आगे पुलिस का बोर्ड लगा के रखा है इसने। अभी इसको मैंने बोला एक लाइन में चल तो उल्टा मुझे सुना रहा है। ये देखो आप इसकी ड्राइविंग देखो। वी जस्ट एंटर लोनावला एंड हम लोग यहाँ पे रुकने का प्लान कर रहे हैं। समथिंग कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, गन्ने का जूस और लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जूस पी के हो गया है और हम लोग अभी निकल गए हैं लोनावला से। तो गाइस हरीश इन नवी मुंबई, अभी टाइम हो गया है सागर भाई को बाय बाय बोलने का और अपने घर की ओर प्रस्थान करने का। सो सागर भाई बाय बाय। सागर भाई को बाय करने के बाद इस वीडियो का एंड मैंने किया था, बट जब मैं ये वीडियोस चेक कर रहा था तब मैंने सोचा कि इस वीडियो का एंड मैं कुछ अलग तरीके से करूँगा। सो ये गोवा सीरीज़ में जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक पोस्ट किए हैं उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ उनके डाउट्स है। सो मैंने सोचा इस वीडियो के एंड में वो सारे डाउट्स और वो क्वेश्चंस का आंसर मैं करूँ, इसीलिए ये वीडियो का एंड कुछ इस तरह कर रहा हूँ। सो काफ़ी सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन था ये पूरे 3-4 वीडियोज़ में, वो था कि बाइक कितना देती है, बाइक का माइलेज क्या है। सो इस गोवा राइड में मुझे बाइक ने माइलेज दिया है कुछ 30-32 किलोमीटर का। सो ये डिसेंट है, मैं खुश हूँ इससे क्योंकि BMW तो 35 बता रहा है, तो 35 तो हम लोगों को आएगा नहीं क्योंकि बहुत सारे रीजंस है उसके। सो 30-32 आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि भाई आपने अपने बाइक के ब्रेक पैड चेंज किए या नहीं। सो देखो मैंने अभी तक ब्रेक पैड चेंज नहीं किए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि अभी भी ब्रेक पैड अच्छे खासे है। सो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आने वाले दिनों में अगर चेंज करता हूँ तो आप लोगों को तो ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और इसके साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि जो मेरे बाइक की क्लच केबल टूट गई थी, तो मैंने गोवा में तो वो RR 310 की केबल लगा दी थी फिर, लेकिन जब मैं मुंबई आया गोवा से तब मैंने BMW मोटर आर्ट इंडिया को मैंने मेल किया, उनको ये प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम जेन्युइन लगा, उन्होंने भले इन्वेस्टिगेट किया ये प्रॉब्लम, उसके बाद उनको वो प्रॉब्लम जेन्युइन लगा, फिर उन्होंने मुझे एक मेल सेंड किया, उन्होंने कहा कि आपके नज़दीक में थाने सर्विस सेंटर में आप अपनी बाइक लेके जाइए, वहाँ पर आपकी क्लच केबल फ्री ऑफ कॉस्ट
रिप्लेस की जाएगी। देन मैं फिर जब गोवा से मुंबई आया था उसके एक दो दिन बाद में मैंने वो केबल चेंज कराई फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा BMW मोटर आर्ट इंडिया को और नवनीत मोटर्स थाने सर्विस सेंटर को, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे। और मतलब ये प्रॉब्लम छोटा था काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि मैं ये बाइक राइडिंग में नया हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। और इसी के चलते हुए काफ़ी लोगों ने मुझे हेल्प किया और बहुत अच्छा सपोर्ट किया इस जो भी प्रॉब्लम हुआ था इसके बारे में। अभी आप सब लोग सोच रहे रहेंगे कि भाई वो सरप्राइज़ गिफ्ट कहाँ है। सरप्राइज़ गिफ्ट ये है कि अगर आपने ये गोवा सीरीज़ के सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें से एक वीडियो में मैं कुछ शॉपिंग करने गया था। अगर आपने देखा है तो आपको पता चल गया रहेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देखो। भाई ये शर्ट कितने का है? जो मैं शॉपिंग करने गया था, मैं चाहता हूँ आप में से किसी एक को वो मिले। बस उसी के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपने ये गोवा सीरीज़ देखी रहेगी आई एम श्योर। ये गोवा सीरीज़ के किसी भी वीडियो को आपको शेयर करना है आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी आप एक्टिव हो वहाँ पे आपको ये इसका लिंक शेयर करना है, कोई भी एक वीडियो का, या फिर जो वीडियो का आप चाहते हो वो वीडियो का आप लिंक सेंड करते हो, लेकिन गोवा सीरीज़ का ही। आपको वो लिंक शेयर करना है। अगर आप व्हाट्सएप पे करते हो, फेसबुक पे करते हो, या इंस्टा पे करते हो, कहीं पे भी करते हो, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे आपको सेंड करना है इंस्टा पे। इंस्टा के प्रोफाइल की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे ये स्क्रीन पे भी अभी आ रहा है। आपको वो स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टा पे सेंड करना है, और या फिर अगर आप टैग करना चाहते हो इंस्टा पे तो वो भी कर सकते हो। अब विनर डिसाइड कैसे होगा? जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक शेयर करेगा और उसके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेगा वो होगा इस प्रतियोगिता का विनर। और वो विनर मैं अनाउंस करूँगा 30 अप्रैल को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आपको कनेक्टेड रहना है इंस्टाग्राम पे। ये वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ये लास्ट वीडियो है अभी गोवा से मुंबई का, मीन्स गोवा गोवा भाई ख़त्म हो गया अभी। अब जब ये वीडियो आप देख रहे हो शायद से मैं कहीं और पे राइड पे रहूँगा। अगर आप इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ राइड कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहे हो तो फॉलो करो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे कैमरा गिर गया, अरे यार टूट गया टूट गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।